इस वक्त हमारे साथ जेएनयू कैंपस में बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी। किस तरह देखते हैं शर्मिष्ठा जी जो कल घटना हुई जेएनयू कैंपस के? देखिए, इसको खाली कंडेम करना काफ़ी नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक घटना है। और जो पूरे देश की हालात है, जिस तरह से पूरे देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों की खासकर स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाने की कोशिश किए जा रहे हैं, जेएनयू की घटना वही इसी का रिफ्लेक्शन है। जिस तरह से पुलिस इधर पूरी तरह से पुलिस की मौजूदगी थी, उसके बावजूद भी किस तरह से बाहर के लोग आके, बाहर के गुंडे आके कैसे स्टूडेंट्स को और प्रोफेसर्स को पीटा, तो ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और दिल्ली पुलिस केंद्रीय सरकार की अंडर है, तो केंद्रीय सरकार की अगर इसमें सहमति नहीं होती या कोई इशारा नहीं होता तो पुलिस चुपचाप खड़े होकर क्या देख रहे थे? हम पुलिस से ये पूछना चाहेंगे, सरकार से ये पूछना चाहेंगे। और जेएनयू के प्रति और खासकर जो भी वोकल स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, ये सरकार हम देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली में पहले रामजस कॉलेज में घटना घटी और जो बीजेपी की स्टूडेंट यूनियन है एवीबीपी, किस तरह से वहाँ स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी की, मारपीट की, बीएचयू में, एएमयू में, जिस तरह से स्टूडेंट कम्युनिटी, जो भी पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टूडेंट कम्युनिटी है, इंटेलिजेंट सोचने वाले स्टूडेंट कम्युनिटी है, उसको दबाने की किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, ये सरकार देश में लगता है लोकतंत्र खत्म हो गए हैं। एक सवाल उठ रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी जो जेएनयू की थी वो उस वक्त गायब थी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्यों गायब थी ये तो, ये सवाल आप जो प्रशासन है उससे कीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कीजिए। और इधर पुलिस भी मौजूद थे, पुलिस ने कल फ्लैग मार्च करवाया, बोला कि इस पर कोई खतरा नहीं है, वायलेंस की इंसिडेंट्स कुछ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। उसके बाद इस तरह की घटना घटी, तो पुलिस किस बेसिस पे ये रिपोर्ट दिया कि यहाँ कोई खतरा नहीं है? ये सारे जवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा, ये सारा जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। और क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है केंद्रीय सरकार के अंडर है, तो ये केंद्रीय सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। तो ये थी हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं उज्ज्वल प्रियवीर, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।